अगर आप भी रहना चाहते हैं चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त और अपने परिवार के और अपने बच्चों के साथ बिताना चाहते हैं खुशहाल जीवन, तो आज ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद साथ दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे इस चैनल की वीडियोस की अपडेट्स फ्री में मिलती रहें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने आपको बहुत बार ऐसे फेस पैक, ऐसे फेस मास्क बताए हैं जिनसे अगर आप अपने चेहरे को नेचुरली तौर पर संवारना चाहते हैं, ग्लो लाना चाहते हैं, गोरा करना चाहते हैं, तो आप उन फेस पैक का यूज़ करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी डाइट चार्ट लाई हूँ, एक ऐसी खाने की कुछ आइटम्स लाई हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप अपनी डाइट में उसको शामिल करेंगे तो आपको इस चीज़ में बहुत अच्छी तरह से मदद मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, कई बार हमारा रंग नेचुरली सांवला होता है और हम ट्रीटमेंट्स और तरीके अपनाकर उसको निखारना चाहते हैं, लेकिन कई बार टैनिंग की वजह से भी और बहुत सारे अन्य कारणों की वजह से भी चेहरे का रंग डल पड़ जाता है, जिससे हमारी त्वचा में डलनेस आ जाती है, हमारा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क हो जाता है। ऐसे में आप अपनी पहले वाली रंगत पाने के लिए बहुत सारी क्रीम्स और कास्ट ट्रीटमेंट्स का तो सहारा लेते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनको अगर आप अपने डाइट में शामिल करेंगे तो आप देखेंगे कि इस चीज़ों में आपको मदद मिलेगी। जो आप ट्रीटमेंट्स करवा रहे हैं या क्रीम अगर या फेस मास्क भी आप उपयोग कर रहे हैं, इनके साथ साथ इस डाइट से भी आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। तो आइए जानते हैं वह कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले है नारियल पानी। अगर आप भी सांवलेपन से, डार्क कॉम्प्लेक्शन से बचा रहना चाहते हैं तो रोज़ाना आप नारियल पानी का सेवन करें। अगर आप रोज़ नारियल पानी नहीं भी पीना चाहते तो कम से कम एक वीक में आप 2 से 3 बार तो इसका सेवन ज़रूर से करें, इससे आपको ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा है सौंफ। लोग अक्सर खाना खाने के बाद सौंफ का सेवन करते हैं क्योंकि ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और खाना खाने के बाद इसको खाने से खाना डाइजेस्ट भी हो जाता है और बॉडी के टॉक्सिन्स भी निकल जाते हैं। इसके साथ साथ सौंफ रंग को निखारने का भी काम करती है, यह नेचुरली तौर पर आपको आपके रंग को निखार देगी। इसके साथ है केला। केले में पोटेशियम और विटामिन ई की मात्रा बहुत अधिक होती है। डाइट में अगर आप इन तत्वों का सेवन करते हैं तो इससे आपकी स्किन की रंगत में इससे अगला है चुकंदर यानी कि बीटरूट। चुकंदर ना केवल शरीर आयरन की कमी को पूरा करता है यानी कि हमारे खून को बढ़ाता है, बल्कि अगर आप रेगुलर तौर पर इसका सेवन करेंगे तो यह चेहरे के रंग में भी काफ़ी आपको फर्क नजर आएगा। आप इसको सैलड की तरह खा सकते हैं या इसका हलवा भी बनता है या इसकी बहुत सारी डिशेज तो आजकल आपको आम मिल जाएगी। अगली चीज़ जो आपको रंग निखारने में सहायता करेगी वह है दूध। दूध में विटामिन सी और जिंक बहुत अच्छी तरह से होता है जो कालेपन को, डार्कनेस को दूर करके चेहरे की रंगत को निखारने का काम करता है। इसीलिए आप अपनी सेहत के लिए ही और साथ ही साथ अपने रंग के लिए भी एक गिलास दूध का सेवन तो ज़रूर किया कीजिए। इसके साथ है पपीता। पपीता केवल आंखों की रोशनी को बढ़ाने का काम नहीं करता, बल्कि अगर आप इसका सेवन करेंगे और रेगुलर तौर पे करेंगे तो आपकी चेहरे की रंगत निखारने में भी यह बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट चीज़ है, लेकिन यह बहुत अच्छी है, वह है केसर यानी कि सैफरन। केसर में सैफरनल ऑयल होता है जो चेहरे को सांवलापन दूर करके चेहरे को गजब का ग्लो और निखार देता है। इसके सेवन से रेगुलर तौर पर अगर आप या दूध डिशेज में या दूध में डालकर इसका सेवन करेंगे तो आपको फर्क अपने आप देखने को मिलेगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर आप केसर का इस्तेमाल जो आप फेस पैक बनाते हैं इसकी कुछ स्ट्रैंड्स आप उसमें भी डालेंगे तो आपके फेस पैक का जो प्रभाव है वह डबल हो जाएगा, यह इतना अच्छा माना जाता है। एक और चीज़ भी जो मैं आपको बताने चाहती हूँ वह है संतरा। संतरे कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो चेहरे की डार्कनेस को, उसके डार्क कॉम्प्लेक्शन को, सांवलेपन को दूर करके उसका रंग निखारने में भी मदद करते हैं। प्रेगनेंसी में भी अगर आप संतरे का सेवन करेंगे तो आपका संतान सुंदर होगी। इसके साथ ही केसर है या फिर नारियल पानी, यह सब लेने से भी जो आपकी आने वाली संतान है वह स्वस्थ होगी, साथ ही साथ उसका रंग रूप भी बहुत सुंदर होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कुछ डाइट की चेंजेस। आप अपने डाइट में इन सभी चीज़ों को अगर शामिल करेंगे और आप चाहते हैं कि अगर आप ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं, गोरा रंगत पाना चाहते हैं, तो यह आपकी ज़रूर मदद करेंगे।
आप फेस पैक्स भी ज़रूर ट्राई कीजिए, आप अगर कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो वह भी आप करवा सकते हैं, लेकिन इसके साथ अगर आप डाइट में चेंजेस लेंगे तो आपको उन चीज़ों का असर ज़्यादा और जल्दी नज़र आएगा। इस बारे में अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे वह जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, हमारे इस YouTube चैनल हेल्थ की दुनिया को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।